आज है दिन 21 मार्च 2022 में। मैं हूँ अपने होम टाउन कोटा राजस्थान में। सो भाइयों फिलहाल जो है अर्जेंटली जयपुर निकलना पड़ रहा है। क्यों निकलना पड़ रहा है वो मैं वहीं जाके बताऊँगा। फिलहाल तो मैं अपना डिब्बा ढूँढ रहा हूँ किधर है, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। सो भाई डिब्बा तो मिल चुका है। फिलहाल टाइम हो रहा है 11:37 और जो है मैं ना वहाँ पे सरप्राइज़ करने के लिए जा रहा हूँ। किसी को पता नहीं है मैं जा रहा हूँ। मेरी मम्मी और 2 दिन पहले ही जो है जयपुर जा चुके हैं और मैं उनको सरप्राइज़ करने के लिए जा रहा हूँ। सुबह जो है 4 बजे या शायद 5 बजे अराउंड पहुँच जाएगी ट्रेन। तो वहाँ जाके रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे कि कैसा मतलब रिएक्शन आता है, शॉक्ड होते हैं या नहीं होते, या पहले से उनने गेस कर लिया हो कि मैं आ रहा हूँ करके। तो अभी तो यहीं पर रखते हैं क्योंकि क्या है, टिकट मैंने लोकल ली है क्योंकि टिकट मिल नहीं रहा था अर्जेंटली में। तो TC से भी बात करेंगे, TC मानता ही नहीं मानता, मान जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, हमारा काम हो जाएगा और जयपुर पहुँचेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी तो सब बढ़िया है जी। अभी 11:37 हो रहे हैं रात के, तो ये ट्रेन है इसमें जाएंगे हम लोग और इधर ही ये इसी डिब्बे में बैठ जाएंगे। फिलहाल तो क्या कर सकते हैं भाई, अर्जेंटली में यही सब होता है। बहुत जल्दी जल्दी में आया हूँ, बिल्कुल 100 की स्पीड में भागा के गाड़ी। अच्छा हमको सिखा दिया है। मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि मैं ट्रेन पकड़ पाऊँगा नहीं पकड़ पाऊँगा, पर समय पे आ गया तो बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, अब सुबह ही मिलते हैं। तो फाइनली मैं जयपुर पहुंच चुका हूं। अभी करीबन 5:15 हुई है। अभी 5 मिनट पहले ही हमारी जो है गाड़ी आई थी और अभी देखते हैं क्या सीन रहता है घर जाने का। थोड़ा उजाला हो जाने दो, उसके बाद चलेंगे ओला या रैपिडो, देखते दोनों में से क्या कर पाते हैं। सो हाँ, सच में बताना भूल गया कि मैं क्यों आया था जयपुर। सो जयपुर मैं इसलिए आया था क्योंकि जो है आज मेरी मौसी के यहाँ पर जो है फंक्शन है भजन संध्या का। तो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स बाद जो है मैं आया हूँ जयपुर। भजन संध्या इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, कभी कभी होता है घर में प्रोग्राम, इसलिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसलिए सडनली जो है मैंने सोचा कि चलिए हम भी चलते हैं, जब सारे लोग गए तो हमारे परिवार के। तो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जो है थोड़ा सुबह भी हो जान देंगे, फिर मिलेंगे वहाँ पर। सीधा रिएक्शन भी रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये क्या रहता है सबका रिएक्शन एकदम से मेरे को देखेंगे तो। ठीक है तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट और फटाफट चाय और पोहा खाते हैं, उसके बाद रैपिडो और ओला करते हैं और 15-20 मिनट बाद जो है निकल जाएंगे। जो ये 10 रुपये की चाय और ये इतने से पोहे 20 रुपये के दिए हमें। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं और फिर सीधा निकलते हैं। फ़ोन की है ना बैटरी लो हो गई थी, इस वजह से जो है शूट नहीं कर पाया और 5-10 मिनट मैंने फ़ोन को चार्ज लगाया, उसके बाद जो है अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो फिलहाल तो अभी सब लोग सो रहे हैं तो जगने का इंतज़ार करते हैं। और जयपुर में यार एक ओला और ऊबर का बहुत गंदा सिस्टम है यहाँ पे। जैसे जो एप्लीकेशन है मतलब ज़्यादा दूर की राइड एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वो चीज़ मेरे को जो है गलत लगी। बड़ी मुश्किल से जो है मेरे को राइड मिली ऊबर की, थैंक्स उन भैया को, जो भी नाम था उनका मैं भूल चुका हूँ। बाकी तो अभी लोग सब लोग उठ जाएँ, फिर देखते हैं आगे का सीन क्या होता है। अभी टाइम जो है 6:30 तो उठने दो, फिर देखते हैं आगे। 1 hour later मम्मी हर्षो साहब उठ चुके हैं। अरे किधर सर, ट्रेवलिंग विद अर्श हमारे। ओ माय गॉड सर, सर बस सुबह माउस है। अरे ऐसे सरप्राइज देना ना पागल, खेल कर दिया ना देख। A lot of boring math later.
तो दोस्तों नहा धो के जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं एकदम, और अभी करीबन समय हो रहा है, एक सेकेंड, 1:52 जो है समय हो रहा है, और टेंट वेंट सामान आ चुका है यहाँ पर, और खाना वाना भी बन रहा है यहाँ पर। सो हम भी थोड़ा सा जो है खाना वाना खा लें, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये पूरा सेटअप तैयार होने वाला है। करके दिखा देता हूँ आपको, कुछ ऐसा है यहाँ पर जो है टेंट वेंट का जो है वो सामान लगेगा पीछे, ज़्यादा कुछ नहीं वैसे तो, पूरी चारों तरफ से वो है, बस यहाँ से जो है डालनी लग जाएगी और चांदनी टाइप की, और इधर जो है यहाँ पर कारपेट वारपेट बिछ के पूरा सेटअप जो है रेडी हो जाएगा। तो एक बार टाइम लैप्स भी लगा दूंगा मैं, तो बिजी बिजी काफ़ी है, काम वाम में बहुत लगे हुए थे, अब जाके जो है फ्री हुए हैं, 2 बजने को आए हैं, तो जैसे काम स्टार्ट होता है और शाम का जो है फंक्शन जो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा रहा जो है, कैसा चल रहा है यहाँ का। शाम को मैं थोड़ा सा शूट करूँगा, उसके बाद जो है वीडियो जो है एंड कर दूँगा। अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना साथ ही साथ चैनल को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं पर क्या नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हम्बली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं फिर भाइयों। काम में इतने बिजी हो गए कि पता ही नहीं चला कि मेरा व्लॉगिंग भी ब्लॉग भी चालू है, अब जगह याद आया तो मैं कहा कि यार शूट कर लूँ। तो अभी मैं सेटअप दिखाता हूँ मैं आपको, कैसा सेटअप चल रहा है। इधर ये चूरमा बन के रेडी हो चुका है, अब बनना बाकी है, तो चाय भी बन चुकी है देख रहे हो। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो इधर सेटअप तैयार हो गया पूरा शाम का, अभी टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है, और इधर भी जो है खाना वाना रेडी हो गया ऑलमोस्ट। खाना आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा जो है थक चुका है। मेरे को याद है वीडियो में इतना कुछ खास नहीं है, पर तब भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गो हेड, ट्रस्ट योर सेल्फ, नो मैटर व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट, बाय बाय।